नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम ये बूंदी के लड्डू बनाएंगे। बूंदी के लड्डू हम सही नाप और सही तरीके से बना के तैयार करेंगे। इन लड्डू की बूंदी बनाने के लिए हमें कोई स्पेशल जारा नहीं लेना है। जिससे हम बूंदी बना के तैयार करेंगे वो जारा हर घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बचपन में 15 अगस्त को मिलने वाले ये बूंदी के लड्डू तो आपने जरूर खाए होंगे। बचपन में मैंने देखा था, जब भी घर में कोई खुशी का माहौल होता था तब ये बूंदी या फिर बूंदी के लड्डू जरूर बनाए जाते थे। इस तरह के बूंदी के लड्डू आप भी घर पर बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। ये इस तरह के बहुत ही रसीले लड्डू बना सकते हैं। और हाँ, आज हम ये बूंदी के लड्डू बिना फूड कलर के बनाएंगे। ये बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 1 कप ये बेसन लेंगे। बेसन को इस तरह छन्नी में छान के लेंगे। बेसन को आप आटे वाली छन्नी से छान के ले सकते हैं। बूंदी बनाने के लिए बेसन को हम इस तरह छान के लेंगे तो बेसन में एयर आ जाती है तो बूंदी हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी। इस तरह मैंने ये सारा बेसन छान लिया है। जैसे कि मैंने बताया, आज हम बिना फूड कलर डाले ये बूंदी के लड्डू बनाएंगे। तो हम यहाँ पर चुटकी पर हल्दी पाउडर डालेंगे। हमने 1 कप बेसन लिया था, उसी कप से हमने नाप के यहाँ पर 1 कप पानी लिया है। पानी हमें कितना लेना है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। बेसन में हल्दी हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। ये बूंदी का घोल तैयार करने के लिए इसमें हमें एकदम से सारा पानी नहीं डालना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स करेंगे तो बेसन में गुठलियां भी नहीं पड़ेगी। अगर हम बेसन में एकदम से सारा पानी ऐड कर देंगे तो गुठलियां खत्म करने में भी टाइम लगेगा और घोल हमारा पतला भी हो सकता है। इसलिए हम इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। हाँ, ये बूंदी के लड्डू बनाने के लिए आप अपने घर में से कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। जिस कप से आप बेसन ले रहे हैं उसी कप से आप चीनी और पानी ले सकते हैं। ये घोल हमें आलू प्याज के जो पकोड़े बनाते हैं उनके लिए घोलते हैं ना, उससे थोड़ा सा पतला घोल बना के तैयार करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये बेसन का घोल हम ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे ना ही पतला रखेंगे। पतला घोल बना लिया तो बूंदी का शेप अच्छा नहीं आएगा। यदि बेसन का घोल गाढ़ा होगा तो भी बूंदी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो हम इसलिए एकदम परफेक्ट घोल बना के तैयार करेंगे। बूंदी के लिए तैयार किए हुए घोल की धार इस तरह से आनी चाहिए। बूंदी के लड्डू के लिए ये घोल बनाना ही मैन है, बाकी चीजें तो बहुत ही आसान है। इस घोले हुए बेसन को हम 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब हम यहाँ पर गैस पे कढ़ाई चढ़ा के इसमें थोड़ा सा ये घी ऐड करेंगे। आपने देखे होंगे बूंदी के लड्डू में ये मगज के बीज भी होते हैं, तो हम बीजों को इस तरह थोड़ा सा भून के लेंगे। बीजों को हम ज्यादा देर नहीं भुनेंगे, इनका कच्चापन निकल जाए तब तक ही भुनना है। भुने हुए बीजों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। मीडियम गैस पर 1 मिनट तक भुनने के बाद हम बीजों को निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में बूंदी तलने के लिए घी गरम करेंगे। ये मैंने घर का देसी घी लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी घी या तेल ले सकते हैं। इस बड़े वाले चम्मच से 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे। बूंदी तलने के लिए घी हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम बेसन चेक कर लेते हैं। बेसन के घोल की इस तरह से बूंदे गिर रही हैं, यानी कि ये बूंदी की शेप में गिरेगी। आज हम बिना सोडा डाले ये बूंदी बना रहे हैं, तो हम सोडा की जगह यहाँ पर 2 चुटकी इनो ऐड करेंगे। इनो को हमें इस तरह हल्के हाथ मिक्स कर लेना है। ये घोल बनाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया था। 1 कप पानी में से हमारा पानी इतना सा बच गया है, यानी कि 1/4 कप पानी लगा है। अगर आप घोल में इनो भी नहीं डाल रहे हैं तो घोल को 5 मिनट लगातार फेंट के ले सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस के पास। ये 1 चम्मच गर्म किया हुआ घी भी इसमें डाल देंगे। घी को भी हम इस तरह हल्के हाथ ही मिक्स करेंगे। हलवाई लोग जब भी बूंदी बनाते हैं तो इसमें घी या तेल जरूर ऐड करते हैं। बूंदी तलने के लिए घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम 1 ड्रॉप डाल के देख लेते हैं। लड्डू के लिए सारी बूंदियाँ हम इसी जार से निकालेंगे। जार के ऊपर चम्मच से हम इस तरह घोल डालते जाएंगे तो नीचे बूंदियां गिरती जाएगी। जार के ऊपर घोल का पूरा चम्मच हमें एकदम से नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके ही घोल डालना है। 1 चम्मच घोल डालने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच और घोल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ये घोल भी डाल देंगे। जारे को हम इस समय थोड़ा और ऊपर रखेंगे ताकि बूंदी हमारी आपस में चिपके नहीं। ये तो अच्छे से देख लिया होगा कि जारा मैंने किस तरह से पकड़ रखा है। और हाँ, कढ़ाई में बूंदी डाल रहे हैं तब हमें गैस की फ्लेम तेज रखनी है। सारी बूंदी डालने के बाद गैस की फ्लेम हमें कम कर लेनी है। लड्डू बनाने के लिए बूंदी का कलर हमें ज्यादा चेंज नहीं करना है। इस तरह बहुत ही आसानी से आप रायते के लिए मसाला बूंदी भी बना के तैयार कर सकते हैं। मीडियम गैस पर 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद बूंदी हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम इसे 1 बाउल में निकालेंगे। इसी जारे से हम 1 बार बूंदी और बना लेते हैं।
तरह घर पर मंगलवार को हनुमान जी के प्रसाद के लिए आप मीठी बूंदी भी बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह का जारा तो पूड़ी बनाने के लिए हर घर में होता है, पर मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए मोतीचूर का स्पेशल जारा होता है, बहुत ही बारीक जारा होता है। आप जब एक दो बार बूंदी बनाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, बहुत ही आसानी से बूंदी बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हल्के हाथ इस जारे को टैप किया है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि ये बूंदी अभी चिपकेगी नहीं। अभी हम जारे को हटा के गैस की फ्लेम कम कर लेंगे। अब हम बूंदी को हल्के हाथ चला लेते हैं। मोतियों की तरह एकदम गोल गोल बूंदी बनी है। गोल गोल बूंदी बनाने के लिए जारे को हमें इस तरह हाथ से साफ करके हर बार इसे धो के काम में लेना है। तेल की गर्म भाप की वजह से कई बार जारे के छेद रुक जाते हैं। हर बार धो के काम में लेंगे तो बूंदी हमारी एकदम इस तरह दानेदार होगी। बूंदी का हमें ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, इस तरह ही बूंदी फ्राई करके लेंगे। आप अगर बिना किसी कलर या हल्दी पाउडर डाले भी बूंदी बनाएंगे तो बेसन का भी बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। अगर कढ़ाई में घी कम होगा तो बूंदी हमारी चपटी हो सकती है। आप यदि बूंदी तेल में फ्राई करके ले रहे हैं तो तेल में फ्राई करने के बाद बूंदी को आप इस तरह के एक छलनी में निकाल लें, जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो बाउल में निकल जाएगा। इसी तरह सारी बूंदी हमने निकाल ली है। हल्दी की वजह से बूंदी में कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। लड्डू बनाने के लिए हमें इसी तरह की बूंदी फ्राई करनी है। यहाँ पर बूंदी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पर चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से हम एक कप चीनी ले रहे हैं। आप चाहे तो थोड़ी सी चीनी कम ले सकते हैं। हम यहाँ पर इसी कप से आधा कप पानी लेंगे। हमें चीनी का आधा पानी लेना है, आधा कप पानी हम चीनी में ऐड कर देंगे। यहाँ पर चाशनी में आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चुटकी भर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। इस तरह लगातार चलाते हुए चीनी घोल लेंगे। तो यदि लड्डू कम मीठे पसंद है तो आप इसमें पौना कप चीनी ले सकते हैं। ये लड्डू की चाशनी बनाने में हमें कोई एक तार दो तार का कोई झंझट नहीं है। चीनी घुलने के बाद एक दो उबाल आने तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं करनी है। चाशनी हमारी हल्की चिपचिपी होनी चाहिए। चाशनी हमारी हल्की चिपचिपी है, अब हम इसमें बूंदी ऐड कर सकते हैं। एक कप बेसन की जो बूंदियाँ निकाली थी वो हम सारी बूंदी इसमें ऐड कर देंगे। एक कप चीनी की चाशनी में आप इस तरह 3 कप बूंदी ऐड कर सकते हैं। हमें अच्छा फ्लेवर आए इसलिए हम 4 से 5 ये कुटी हुई इलायची भी डाल देंगे, थोड़े से ये मगज के बीज भी डाल देंगे। इन बूंदी के लड्डू में आप अपने हिसाब से गुलाब की पत्तियां और पिस्ते की कतरन भी ऐड कर सकते हैं। चाशनी में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी में बूंदी को हमें मीडियम गैस पर 1 से 2 मिनट तक ढककर पकाना है। ढककर पकाने से बूंदी हमारी एकदम जूसी हो जाएगी। इस समय गैस की फ्लेम हमें तेज नहीं करनी है, मीडियम गैस पर ही पकने देना है। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस बंद करके कढ़ाई को साइड में रख देते हैं। कढ़ाई का ढक्कन हटा के बूंदी हम चेक कर लेते हैं। बूंदी में ये जो चाशनी दिख रही है ये चाशनी भी बूंदी अच्छे से सोख लेगी। कढ़ाई हमारी अभी तक गर्म है तो अब हम इस पे ढक्कन लगा के 10 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं, बूंदी हमारी चाशनी अच्छे से सोख ली है। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हमें इसी तरह की बूंदी चाहिए। बूंदी में रस अच्छी तरह से भर गया है। लड्डू बनाने के लिए हमें इसी तरह की रसीली बूंदी चाहिए। अब हम लड्डू बनाने के लिए इस तरह थोड़े से हाथों पे घी लगा लेंगे। लड्डू आप अपने पसंद से छोटे बड़े साइज में बना सकते हैं। आज के ज़माने में जब भी घर में कोई खुशी का माहौल होता है तब हम चॉकलेट खरीद के ले आते हैं, और 50 ग्राम की चॉकलेट 80 रुपये में आती है। हम उसी बजट में ढेर सारी मिठाइयाँ घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट बूंदी का लड्डू बना लिया है। इसी तरह घर के शुद्ध लड्डू हम प्रसाद के लिए भी बना सकते हैं, और लड्डू भी हम इसी तरह बना के तैयार करेंगे। ये लड्डू हमारे ना ही गीले हैं ना ही सूखे हैं। यदि चाशनी ज़्यादा होती है लड्डू बिखर जाते, और चाशनी कम होती तो लड्डू हमारे बहुत ही जल्दी टाइट हो जाते हैं। एक दो दिन बाद में लड्डू बहुत ही सूखे सूखे हो जाते हैं। इसी तरह से हम ये सारे लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। इन लड्डू को आप 1 से 2 दिन तक फ्रिज के बाहर रख के भी खा सकते हैं, और 15 से 20 दिन तक आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बारीक कटी हुई पिस्ते की कतरन डाल के सर्व करूंगी। ये लड्डू दिखने में जितने सुंदर दिख रहे हैं खाने में भी बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं, क्योंकि घर का देसी घी में बनाए हैं। लड्डू और मिठाइयाँ तो मैंने चैनल में और भी कई प्रकार की बना रखी है। आप न्यू रेसिपी रसोई चैनल में जाके और भी कई प्रकार की रेसिपी देख सकते हैं। और हाँ, चैनल पर बहुत ही जल्दी घेवर बनाने की रेसिपी भी आ रही है। ये सही नाप और सही तरीके से बने हुए लड्डू एकदम परफेक्ट बने हैं। रसीले लड्डू जल्दी से सूखेंगे भी नहीं। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और ये लड्डू बनाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।